वाराणसी के सारनाथ क्षेत्र में स्थित शक्तिपीठ मंदिर प्रांगण में गुरुवार को साय 5 बजे कलश यात्रा निकाली गई। मंदिर में नीम करौली बाबा व अन्य देव देवियों की प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में क्षेत्र की तमाम महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान महिलाओं ने हर हर महादेव का उद्घोष किया, जिसके द्वारा क्षेत्र भक्तिमय हो उठा और महादेव में सभी तल्लीन हो गए। आचार्य शिवाकांत त्रिपाठी ने बताया कि विगत 5 दिनों से चल रहे कार्यक्रम में सबसे पहले देव प्रतिमा को शुद्ध जल के स्नान कराया गया और इससे साफ मुलायम कपड़े से पोछा गया। विधिवत कार्यक्रम के बाद आज मंदिर में स्थापना से पहले ही उन्हें नगर भ्रमण कराया गया था। इस दौरान महाराज संतोष त्रिपाठी, अंकित बरनवाल, निशांत मिश्रा के साथ सैकड़ों लोग मौजूद दिखाई दिए। हम आचार्य शिवाकांत त्रिपाठी, यहाँ विगत 5 दिनों से चल रहा है यह कार्यक्रम, जिसमें नीम करौली बाबा का मुख्य रूप से प्रतिष्ठा की बात पहले उठी थी, लेकिन बाबा जैसे ही यहाँ आए अपने पीछे पीछे 8 देवताओं को यहाँ ले आए और सबका जो है अभी चल रहा था, पहले जलाधिवास हुआ और क्रमशः जो है फिर अन्नाधिवास, फिर भगवान फल में शयन किए और आज भगवान का लगभग 12 बजे से स्नान का कार्य चल रहा था। यहाँ वेदियों पर स्नपन हुआ है भगवान का, स्नपन के उपरांत भगवान का श्रृंगार करके और भगवान अपने नगर का भ्रमण, बैठने से पहले यह नियम है जब देवता कहीं स्थापित होते हैं तो उससे पहले अपने नगर को देखते हैं कि हमारे नगर में क्या क्या हो रहा है, कौन सही काम कर रहा है, कौन गलत काम कर रहा है, सबकी खबर लेते हैं भगवान। उसके बाद भगवान रात्रि में जब आएंगे यहाँ तो भगवान का यहाँ बेड लगेगा, भगवान शयनाधिवास करेंगे। ये परिक्रमा शक्तिपीठ से चलेगी और सारंगनाथ होते हुए हमारे क्षेत्र का बाजार है सिंहपुर बाजार, गोला बाजार, वो होते हुए रिंग रोड के रास्ते ऐसे जो पूरे नगर का भ्रमण लगभग 7 किलोमीटर की यात्रा है। रवि कुमार, वाराणसी, R9 भारत।